अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन। आज रोजा नंबर 20 है, आज रोजा नंबर 20 है और ग्राउंड में पानी खड़ा है। पानी दिखाओ पहले ग्राउंड में, ये देखें यार पानी खड़ा है। पिछले दिनों ना बारिश हुई, उसकी वजह से पानी खड़ा हुआ है ग्राउंड में। काफ़ी मजे का मौसम रहा है। पिछले दिनों हवा चल रही थी, पत्ते छत्ते गिरे थे, ठंडी हवा चल रही, ठंडा मौसम रहता है रात को। लेकिन अब ग्राउंड में कोई इतना खेलने वाला इरादा नहीं है क्योंकि पानी खड़ा हुआ है। वैसे आज संडे है और अभी मैं जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है ये साकिब और बिलाल मेरे भाई। ओए हेलो, ले आ बाइक यार, इधर ला यार। ये बिलाल जैसे बाइक लेके भाग रहा मेरी आगे यार, पेट्रोल नहीं आ जा। और सर मैं बासी भाई भी आए हुए हैं, बासी भाई सब पूछे जा सकती है, बस जा रहे हैं आप यार। रफ्तारी होने में तकरीबन आधा घंटा रह गया और आज संडे का दिन है। ओके यार बासी भाई जा रहे हैं घर क्योंकि उनको काम है, तारीफ घर की चीज़ लानी है। अच्छा आज संडे का दिन है, शाम हो रही है। शंकी के लिए यार भालू लेके आना है। अभी मैंने सोचा मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, आधा घंटा है, शहर जाना है। संडे कोई मार्केट वगैरह लगी होगी, भालू शालू लगे होंगे। शंकी के लिए ना एक दो भालू खरीद के लाते हैं। मैं इब्रार और साकिब जा रहे हैं जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। यार इब्रार मोटरसाइकिल नहीं ला रहा, वो सामने लेके बाइक फेर रहा है और शंकी को मैंने बांधा वे साइड पर ग्राउंड में, मैं स्कूल आया हुआ। अभी इब्रार से पकड़ते हैं बाइक और हम तीनों जा रहे हैं शंकी के लिए भालू लेने। जय यार दे बाइक उतर। अच्छा यहाँ पे ना साकिब बाइक चला रहा है, साकिब आती है ना बाइक आगे, ये एक दफा बाइक से गिरा हुआ है, आराम से चलाई। टाइम कम है यार, अब जल्दी से पहुँचते हैं और भालू लेके आते हैं। शंकी आ रही है, शंकी आ रही है तेरा भालू लेके। यार हमने एक जगह भालू वाली दुकान देखी है, वो तो बंद है। अब हम किसी दूसरी दुकान जा रहे हैं, पर जिस तरह ये बाइक चला रहे हैं ना, कौन सा बाजार रश है, मुझे तो लग रहा है तारी मारी बाजारी हो जानी है। जाने दे थोड़ा। अभी हम शहर के बिल्कुल दरमियान फिर रहे हैं, शहरों की गलियों में। बस कर दे बंद, बंद कर दे। अच्छा यार एक और जगह हम पहुंचे, हम पहुंचे माम साहब, इधर से भालू मिलने के चांस हो सकते क्योंकि यहाँ पर संडे को बाजार लगता है। चलो चलो आगे चलो। या माँ ओए वो लगे हुए भालू इधर आ, ये हम आ गया संडे बाजार, इधर से भालू मिल सकते हैं। इस साइड पर ये लगे हुए, इधर देखते हैं जाके, वो इधर तो थोड़े हैं। इस साइड पर ये वाला भालू मैं पहले शंकी के लिए लेके गया था बिल्कुल ऐसा, पर इधर भी इतना कोई अभी खास नहीं है। आगे एक और है, उधर चक्कर लगा के आते हैं। इधर देखते हैं भालू, देखो भालू ये अच्छा लग रहा है यार, पर ये 400 रुपए का। ये देख ये देख देख यार, एक ये वाला भालू भी अच्छा है पर इसका 800 रुपया मांग रहे हैं, 800 रुपया नहीं देना इसका। असल में ना हमारे पास टाइम कम है, जैसे यार जल्दी से कोई भालू पकड़ते हैं चलते हैं फिर, क्योंकि टाइम कम है, इतना यहाँ पे कोई ढूंढना नहीं है। ओए जल्दी ढूंढ, इसने ये ढूंढा, ये थोड़ा सही लगा। ओए नहीं ये नहीं यार, एक ये वाला पसंद है, एक ये वाला जल्दी जल्दी में। अंकल को मैं कह रहा हूँ, अंकल जिनका 200 रुपया ठीक है, अंकल कह रहे हैं नहीं 400। अंकल जी 200 रुपया ठीक है, अंकल जी नहीं कर दे यार, 200 रुपया ठीक है। नहीं भाई 200 रुपया नहीं, 200 रुपया ठीक है। स्पेशल YouTube पे कहो जाकर फेर नहीं होना, 200 रुपया ठीक है। टाइम कम है, 200 रुपया, 200 रुपया अंकल जी कर लो, 300 रुपया कर लो। ये दो ली है यार, टाइम हमारे पास सिर्फ रह गए 10 मिनट, 10 मिनट में अपन हमने यहाँ से पहुँचना घर वापस, 10 मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए। अंकल जी पैसे दे दो, ये देख क्या देखो ये मूवी जा रही है, शुक्रिया। बस लाड़े लूड़ के अंकल ने 300 रुपए के दो भालू दिए हैं जो कि महंगे हैं, पर हमारे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं अंकल से लड़ भी सकता था। हां अंकल जी दौड़ 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 दौड़, लेट हो गया Thank you.
आज हम उफ्तारी बारी करेंगे। किस साइड पे उफ्तारी करवा रहे हैं? इधर उफ्तारी करते हैं। वही कर रहे हैं आप इफ्तारी? वही पहले क्यों खा रहे हैं? खुल गया रोजा? शंकी तो बाहर ही आ गया। शंकी को लेते हैं लेकिन पहले हाथ धोते हैं और रफ्तारी करते हैं। आज आज चलो 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 शंकी तेज तो करो उसे। खोलो खोलो टूटी हो ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज अफ्तारी डन कर लिया। अब सीन कुछ इस तरह है कि हम चार लड़के, मैं आपको मिलाता हूँ भी लड़कों से। प्रोटेस्ट हो रहा है KFC, ये जो इजराइल आर्मी को सपोर्ट नहीं करता KFC, मैकडोनल्ड वगैरह, इनके खिलाफ ना एहतजाज प्रोटेस्ट हो रहा है। हम KFC जा रहे हैं, हमारे घर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर का फासला, 5-7 मिनट की राइड है। उधर चलते हैं जाके प्रोटेस्ट करते हैं और देखते हैं वहाँ पर जाके क्या सीन हो रहा है, कैसे हालात हैं। मैं आपको पहले लड़कों से मिलाता हूँ और कौन कौन जा रहे हैं, कैसे जा रही हैं। पहले ये बाइक निकाल लेते हैं बाहर क्योंकि हम जा रहे हैं बाइक से। अच्छा हमारे साथ यहाँ पे अब्दुल्ला है और इब्रार आ गए और भाई साकिब, ये साकिब है। इन दोनों को ना अभी हेलमेट दिए, ये बड़े अजीब लग रहे हैं। ये देखें ये एलियन लग रहा है और ये अभी पहन के दिखाएगा क्यों? अच्छा यार बगैर टाइम वेस्ट किए ना जल्दी से चलते हैं KFC। ये दोनों बैठेंगे एक बाइक पे, मैं और ये बैठेंगे अपनी बाइक पे। चलो चलो वो आ गए गधा KFC। बुड्ढे बंद हो जा बुड्ढे। अच्छा वो KFC हम आ गए हैं अभी यहाँ पे ना प्रोटेस्ट अभी बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। ये देखें ये हम जा रहे हैं और इन गधों को बंद करने जा रहे हैं हम। इस बाबे को बंद करना है यार, ये जो सा बाबा है ना, तेरी गाली नहीं देनी। गर्दार है, गर्दार है। जब मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ मेरे सामने उन बच्चों की वीडियोस आती हैं जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे होते फलस्तीन में बैठ के। उसके बावजूद हम अगर यहाँ पे आके उन्हीं लोगों को सपोर्ट करें जो हमारे भाइयों के कातिल हैं तो लानत है हम पे, हमारे जमीर मर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो KFC और मैकडोनल्ड ये वो अदारे हैं जो उन फलस्तीनी फौजियों को सपोर्ट कर रहे हैं जो जख्मी खवातीन हॉस्पिटल में जेरे इलाज है, उनके साथ ज्यादतियां करती हैं, इनकी मील जाती है उन फौजियों को। और आज उसके बावजूद अगर हम यहाँ पे खड़े होके KFC जाते हैं उनको सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है हमारे जमीर मर चुके हैं। हम मुर्दा कौम है, ऐसी कौम पे खुदा का अज़ाब ना हो तो क्या हो? फलस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। आपके लिए बोले और आज ये जिस्म है कि एक आप, मेरी एक छोटी सी बात बात नहीं, आप बड़े रिस्पेक्टेड हैं, आप ड्यूटी कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं हाथ की। सर आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप आए, आप मुझे पता है आपकी ड्यूटी है, मुझे पता है आपकी ड्यूटी है, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात से एक ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम मुसलमानों के हक के लिए आए हैं। आपका दिल मानता है इस चीज़ से कि हम यहाँ पाएं मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाएं? आप अपने दिल पे आ जाते ईमानदार चलते हैं, आपका दिल मानता है बस ठीक। आप उन्हें बोले आपकी ड्यूटी है ना, आप उन्हें बोले कि जनाब वो बंदे नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं आज हम इधर पूरा में जितने
जितने भी लड़के हैं इतने लड़के तो नहीं है, लेकिन सारे ना यंग है, इनके अंदर हौसला है, ये सिर्फ हॉकी वास्ते आने आए हुए हैं। बाकी जो उनसे KFC मैकडोनल्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, इनको यार शर्म आनी चाहिए। जितने भी मेरे वीडियोज़ देखते हैं ना यूट्यूब पे, तो KFC जाते हैं, मैकडोनल्ड जाते हैं, वो यार मेरी वीडियो ना देखा करें। सारा कुछ आप जानते हैं हकीकत, जो फलस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है सारा आप लोग जानते हैं कि ये जो सा रेस्टोरेंट है ना, ये इसराइल को सपोर्ट करता है, उनकी आर्मी को ये फ्री मील देता है। और हम जितना भी यहाँ से खरीदते हैं ना इनका खाना, ये उससे बुलेट बम वगैरह खरीदता है और हमारे भाइयों के ऊपर फेंकता है। ये इसका हमसे पूछा जाएगा आखिर के बारे में, ये हम जुल्म कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ लॉक लगा दी हमारी वजह से, ताकि हम लोग अंदर जाके प्रोटेस्ट ना करें। अभी हम ना प्रोटेस्ट वाली जगह से घर वापस आ गए हैं। उस जगह ना पुलिस आ गई थी, दो गाड़ियां पुलिस की आ गई थी, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी थी। उन्होंने ना बस हमें टाइम दिया था कि आप यहाँ पे कितनी देर और प्रोटेस्ट करोगे, तो हमने उनको बताया कि हम 15-20 मिनट्स और प्रोटेस्ट करेंगे। तो उतनी देर हम प्रोटेस्ट करते रहे और पुलिस वाली दो गाड़ी ने सामने खड़ी होगी, उन्होंने हमें टाइम दिया था। उसके बाद फिर पुलिस वाले हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि आप बस कर दें। बस एक बात मुझे अच्छी लगी कि पुलिस वालों ने हमें कहा था कि हम आपके साथ हैं इस प्रोटेस्ट में, ये जो भी हो रहा है सब कुछ गलत हो रहा है, जो इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीनियों पे। तो यार बस ये है कि वो जो सी जगह थी ना, वो प्राइवेट जगह थी, इसलिए हमने इतना वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। बाकी फिर हमने प्रोटेस्ट बंद कर दिया और वापस अभी घर आ गए हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ ना फलस्तीन और इसराइल की, तो यार जैसा कि आप सबको पता है साफ जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, लेकिन असल में ना असल बात यह है कि आखिरत का टाइम बहुत करीब है। ये जो सा टाइम है ना, ये हमारा सिलेक्शन का टाइम है, जो जन्नत में जाने वाले लोग होंगे ना वो इन दिनों में चुने जाएंगे। हमारी जो सिवा है ना, वो बस इतना सा कर देना कि जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, इनका बॉयकॉट कर दें मुकम्मल तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि ये सारा मैकडोनल्ड KFC का जो फंड है, ये इसराइल की आर्मी को जाता है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं उनका सारा फंड इसराइल की आर्मी को जाता है, और उसके जो प्रॉफिट बचता है ना टैक्स से, वो वेपन खरीदते हैं और हमारे मुसलमान भाइयों पे, बहनों पे, हमारे बच्चों के ऊपर वो बम फेंकते हैं, जुल्म करते हैं। हम इतना सारा कर दें कि इन चीज़ों से बॉयकॉट कर दें, और शायद यही जरिया हो कि हमारा जन्नत में जाने का। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं इस बारे में आपको बात करूँ, तो मुझे काफ़ी बड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं आपको यकीन से बात बताऊँ ना यार, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे जब मैं देखता हूँ ना कि जैसा ये जुल्म कर रही है हमारे भाइयों पे, हमारे बच्चों पे, हमारी बहनों पे, इतना खून का असर होता है, नींद नहीं आती, कांप जाता हूँ यार कसम अल्लाह के, अंदर से स्ट्रेस में स्टार्ट हो जाती है। क्यों, वो भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकूँ, मुझे ना सुकून नहीं मिलता। फिर बाकी यार वीडियो बड़ी हो रही है, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे और अलग मैं टॉपिक खोलूँगा इंशाल्लाह, जो जल्द मैं आपके सामने वीडियो में लेके आऊँगा। बाकी आप ऊपर चलते हैं, जाके शंकी को न्यूटाइज देते हैं। शंकी को अभी ला के बांधा है साइड पे, और ये इधर से ना अपने दोनों नए भालुओं को देख रहा है, ये इसको देते हैं। शंकी ये देखो, ये क्या मैं लेके आया हूँ, ये देखो, हुई खुश हो गया शंकी। ये वाला भी देता हूँ शंकी, ये देखो ये कितना प्यारा डॉगी है, उई 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 उलड़ाइयाँ भाई, ओहो उलड़ाइयाँ शुरू होगी शंकी की। ये लो मारो इसे, मारो इसे, इन दोनों को मार मार के सो जाओ आप, ठीक है। अभी टाइम काफ़ी हो गया है, आज की वीडियो को मैं कर लूँ यहाँ पर ख़त्म, क्योंकि मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया है। और आज फलस्तीन के हक में ना ज़रूर दुआ करना कि अल्लाह यार हमें इस जंग में ना कामयाबी दे, इंशाल्लाह, आमीन आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और आज का शेर है कि फलस्तीन की बेबसी देख कर न जाने, फलस्तीन की बेबसी देख कर न जाने क्यों कर बला याद आया। अल्लाह हाफिज़।